नमस्कार, न्यू मॉर्निंग टीवी में आपका स्वागत है। अभी हम आप पहुंचे हैं न्यू अशोक नगर में और वार्ड नंबर 4 में। हमारे साथ हैं राजकुमार जी एएसपी पार्टी से। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की और क्या है मुख्य कारण उनका राजनीति में आने का, और न्यू अशोक नगर की क्या मूलभूत समस्याएं एमसीडी के चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी। आपका स्वागत है राजकुमार जी। तो इस समय आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत हैं आपके? देखो, मैंने राजनीति की जीवन की सुविधा शुरुआत तो मैंने अभी की है। पहले हम बहुत समाज सेवक है और हमारा पूरा परिवार समाज सेवक ही है। तो क्या समाज सेवा की आपने पहले? कि किसी की कोई दिक्कत है, परेशानी है, हम उसमें लगे रहे। कोई भी धर्म का काम हो या कुछ भी, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपने आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों चुनी? क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी एक ईमानदार पार्टी है जो कि हर किसी की सबको साथ लेके चलते हैं और सब में विश्वास रखते हैं और हर कोई उन पर भी विश्वास करता है। कंधे से कंधा मिला के हर युवा, हर नौजवान साथी चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ा हुआ है। न्यू अशोक नगर वार्ड में क्या मूलभूत समस्याएं जो अगर आप जीतते हैं तो काम कराना चाहेंगे? अशोक नगर वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले तो रोड की समस्या है। रोड किसी भी दिन के बने हुए हैं, सब रोड टूटे हुए हैं, नालियां बिल्कुल टूटी हुई है, टी पड़ी है। पार्क की भी समस्या है बहुत बड़ी। और दूसरा, एमसीडी ने जो है कि यहाँ पे ना बहुत आतंक डाल रखा है। ये जब भी कोई मकान बनाता है उससे पहले एमसीडी वाले पहले पहुँच जाते हैं यहाँ पर और ये मांगते हैं कि जब मकान बनेगा पहले हमारा पैसा बनेगा जब जाएगा। ये जो समस्या आपने बताई हैं, एमसीडी वाले हैं, जो बिल्डर माफिया हैं, जो लेंटर पे पैसा मांगते हैं, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अशोक नगर की जनता के लिए आपने क्या प्लान तैयार किया? देखो, अशोक नगर की जनता को मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे चुन के बिल्कुल लाएगी। उनको भरोसा है कि ये पार्टी हमारे लिए काम करेगी। अच्छा राजकुमार जी, अब एमसीडी के चुनाव नज़दीक आने जा रहे हैं, तो अगर आपको अशोक नगर की जनता पर भरोसा करती है तो आप 5 बड़े काम क्या करना चाहेंगे? 5 बड़े काम मैं ये करना चाहूँगा, सबसे पहले कि एक तो अशोक नगर में कोई बारात घर नहीं है जी, और दूसरा कोई इसमें क्या नाम है ये इसको अपना कोई बारात घर नहीं है, दूसरा कोई डॉग घर नहीं है, और दूसरा एक पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है जी, और ये रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं, और दूसरा तीसरा कि कोई एमसीडी में इसमें घुसने नहीं दूंगा जी। भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं न्यू अशोक नगर में जी। अच्छा, तो अभी एमसीडी के चुनाव बिल्कुल आ ही चुके हैं, बहुत सारे नेता मैदान में उतर चुके हैं, सभी लोग कहते हैं कि बहुत सारे वादे करते हैं, आप जनता से क्या वादा करेंगे जो पूरा करेंगे? जनता आप पर भरोसा क्यों करे, क्या आपके अंदर क्या विशेष बात है? देखो, जनता को विश्वास दिलाना होगा और जनता को विश्वास भी है कि हम जो जनता चाहेगी, जो जनता की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। जो लोग आपको देख रहे हैं चलते चलते, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? देखो, अभी यही मैसेज है कि अब की बार हमें लाओ और पूरा विश्वास दिला के पूरे मन धन से हम बिल्कुल काम करेंगे, और जो मेरे कार्यकर्ता है पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देंगे अशोकनगर के लिए। और आसपास अड़ोस पड़ोसी जो भी बना क्षेत्र है, चिल्ला क्या नाम है ये तिलोपुरी विधानसभा, इसके लिए पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं मेरे कार्यकर्ता और हमेशा तैयार रहेंगे। ये राजकुमार जी हैं आज़ाद समाज पार्टी से, न्यू अशोकनगर से। इनका साफ कहना है कि जो एमसीडी के द्वारा यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रखा है उसको मिटाने का काम करेंगे, साफ सफाई पर ध्यान देंगे, और इनको पूरा भरोसा है कि न्यू अशोकनगर की जनता इनको चुनाव में जिताएगी और जीतने के बाद ये समाज सेवा कर पाएंगे। मैं हमवीर सिंह, मेरे सहयोगी देव गोस्वामी के साथ न्यू